बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा रेशो का नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अलाइड केमिकल लिमिटेड कंप्यूट। ए पार्ट में कह रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, बी में कह रहे हैं ऑपरेटिव प्रॉफिट रेशो, सी में कह रहे हैं ऑपरेटिंग रेशो, डी पार्ट है नेट प्रॉफिट रेशो और ई पार्ट में कह रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो। उसके बाद स्टूडेंट्स नीचे के बारे में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड पर दिया हुआ है स्टॉक, जो कि हमारे पास कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक। अगर आपको याद हो फाइनल अकाउंट में डेबिट पर जो स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है। उसके बाद परचेजेस, उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर क्रेडिट साइड पर सेल्स के बारे और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है स्टॉक। ये स्टूडेंट्स कौन सा स्टॉक होता है, ये क्लोजिंग स्टॉक होता है। उसके बाद डेबिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, और नीचे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट। और क्रेडिट साइड में स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी यानी ब्रॉट डाउन, फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सोल्यूशन पे आते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और ए पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। हम यहाँ लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। स्टूडेंट्स याद रखिए इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, यानी इसका आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। याद रखिए स्टूडेंट्स जिस फॉर्मूले में भी हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे उसका आंसर परसेंटेज में आएगा। अब स्टूडेंट्स हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है तो डेबिट साइड पर फॉरवर्ड क्या लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यानी यही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 260,000। यहां लिख लेंगे डिवाइड कर देंगे सेल्स, जो कि हमारे पास क्रेडिट साइड पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेल्स 843,500 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे स्टूडेंट्स 100 से। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो बुक वाला ही एग्जैक्ट आएगा 30.82 और साथ स्टूडेंट्स क्या लगा लेंगे परसेंट का निशान, बिकॉज हर वो फॉर्मूला जिसको मल्टीप्लाई 100 करेंगे उसका आंसर परसेंटेज में आएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो बी पार्ट के लिए स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट सेल्स हमारे पहले ही गिवन है, ऊपर से पिक कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100 अपनी जगह। हम इस तरफ क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो याद रखिए स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है कि हम यहां लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास पहले ही गिवन है 260,000। अब स्टूडेंट्स याद रखें हमें चाहिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद रखें स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, मार्केटिंग जिसका एक और नाम होता है सेलिंग, और एडमिन एक्सपेंस यानी मार्केट और एडमिनिस्ट्रेशन विद इन कंपनी विद इन बिजनेस जो एक्सपेंस होते हैं वो दोनों किस में आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और मार्केटिंग और एडमिन के मजीद टाइप्स भी होती हैं। अब अगर आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस में हैं तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है डेबिट साइड पर ऑफिस एक्सपेंस। तो स्टूडेंट्स ऑफिस एक्सपेंस जो होते हैं वो एडमिन एक्सपेंस होते हैं कंपनी के अंदर जो होते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंस 50,000 यहां लिखेंगे, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स सेलिंग एक्सपेंस मार्केटिंग में आता है, वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, हमारे पास कितना है 30,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मार्केट के लिहाज से हम क्या करते हैं चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इन शॉर्ट ये भी हमारे लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी इसी का हिस्सा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेट का मतलब स्टूडेंट्स कर्जा, जो हमने डेटर कुछ चीजें सेल की होती हैं तो अगर आपको वो पैसा वापस ना कर दें तो हमको क्या बोलते हैं बैड डेट्स। और अगर परसेंटेज में हो, अगर आपको याद हो तो जिन पे हमें डाउट होता है कि वो हमें पैसा नहीं दे सकते तो वो भी क्या होता है प्रोविजन। तो बहरहाल
जो डेटर्स होते हैं उनका ताल्लुक किससे होता है, सेल यानी सेलिंग, तो वो भी किसका पार्ट होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस। और मार्केटिंग कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग ही होते हैं, यानी ऑफिस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल्स, ये सारे किसके हिस्से आ रहे हैं, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स एक और डिप्रिसिएशन, जो मशीनरी वगैरह कंपनी यूज कर रही होती है उनकी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो मशीनरी को हम यूज कर रहे होते हैं उनकी जो भी वैल्यू कम हो रही हो वो आपके लिए एडमिन एक्सपेंस होते हैं, और एडमिन किसके होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे। नेक्स्ट जो आपके पास लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस का हिस्सा नहीं है, ये बिकॉज आउटसाइड जो डिबेंचर आपने कंपनी ने इशू किए होते हैं लोन के लिए उस पे आपने उनको क्या देना है, इंटरेस्ट। तो आपके लिए ना ये सेलिंग एक्सपेंस है ना एडमिन एक्सपेंस है। उसका लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट, माशाल्लाह कंपनी का जो कैश है वो चोरी हो गया है, ठीक है जी, तो ये भी ना एडमिन एक्सपेंस है ना सेलिंग। और नेक्स्ट खुद लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन इस तरह गिवन होगा तो आपने जो पहले पॉइंट गिवन है, ठीक है, आपने इनको पिक करके ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। अब इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 88 1 लाख ऑलमोस्ट ये आपके पास 1,20,000 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तमाम पॉइंट्स को ऐड करने के बाद। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से अब इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 1,40,000, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग ओपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब स्टूडेंट्स किसको हम यहां 1,40,000 को हम यहां लिख लेंगे और डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा वो बुक वाला ही आएगा 16.6, और साथ क्या लिखेंगे परसेंट, बिकॉज ऑफ परसेंटेज। होप सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्मूले की अब समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ, ऑपरेटिंग रेशियो। स्टूडेंट्स आपने पजल नहीं बना ऑपरेटिंग रेशियो में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में, यहां पे हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो, स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग रेशियो जो फॉर्मूला हमारे पास होता है याद रखिए, यहां किस पे डिवाइड किया हुआ, सेल्स पे, इधर भी डिवाइड किया जाता है सेल्स पे ही, और मल्टीप्लाई किया किया जाता है 100, ठीक है, सेम लाइक दिस। सिर्फ यहां पे ऊपर लिखा हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और स्टूडेंट्स यहां पे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये दोनों में स्टूडेंट्स फर्क है, यहां ऑपरेटिंग सिर्फ प्रॉफिट है और वहां पे क्या है कॉस्ट है, ये फर्क है। अब स्टूडेंट्स सेल्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, सेल्स 8,43,500 × 100 हमें सिर्फ क्या चाहिए होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। जिस तरह स्टूडेंट्स यहां पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड किया, अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को। तो यहां लिख लेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, यानी जो हम जिस तरह सॉल्व करते हैं या फाइंड करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट को, इसके लिए हमारे पास होता है CGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस तरह हम ऑपरेटिंग कॉस्ट को फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो प्लस लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास ऑलरेडी 1,20,000 आ चुके हैं, हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है CGS। और स्टूडेंट CGS किस तरह फाइंड किया जाता है, जो हमने CGS को फाइंड करना होता है कि सेल्स माइनस क्या करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, इससे पहले लेक्चर में हम इस तरह कर चुके हैं। स्टूडेंट्स बुक में हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि ये हमारे पास सेल्स हैं और ग्रॉस प्रॉफिट ये यहां पे भी है, ये आप सवाल से भी देख सकते हैं 2,40,000। तो स्टूडेंट्स इनको लेस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 583,500। स्टूडेंट्स ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ ऑलमोस्ट बहुत बार, इसलिए मुझे इनके वैल्यूज भी याद हैं, बस माशाल्लाह आपने लाजमी कहना है। तो यहाँ पे सेल में से जीबी को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 583,500, ये हमारे पास CGS की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स इसे प्लस करेंगे, स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7,03,500। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑपरेटिंग कॉस्ट की, ये हम यहां लिख लेते हैं और फिर सेल्स पे डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स और मल्टीप्लाई 100 करने के बाद इस पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास बुक वाला आएगा ऑलमोस्ट 83.4% बिकॉज ऑफ मल्टीप्लाई 100 करने के बाद। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूं आपको इस फॉर्मूले की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डी पार्ट लिखा हुआ है जो कि काफी इजी है, डी पार्ट में नेट प्रॉफिट रेशियो। स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100।
स्वीट सेल्स हमारे पास पहले ही गिवन है, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे हमें सर क्या चाहिए नेट प्रॉफिट। अगर आप क्वेश्चन पे आए और डेबिट साइड पे सबसे एंड में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट जो कि है 180,000, तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने का हमारे पास बुक का ही आंसर आएगा ऑलमोस्ट 21.34%। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा। लास्ट हमारे पास गिवन है ऑलमोस्ट ई पार्ट में, ठीक है, जो कि ये भी हम यहाँ सी लिख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में ए बी सी के लिहाज से गिवन है। तो लास्ट हमारे पास है ई पार्ट में स्टॉक टर्नओवर रेशियो। याद रखिए स्टूडेंट्स स्टॉक का एक और नाम आपको कह सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो बात एक ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सीजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टूडेंट्स सीजीएस हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं क्योंकि हमारे पास कितना आ चुका है सीजीएस 583,500। हमें क्या चाहिए एवरेज स्टॉक। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें क्वेश्चन में तो डेबिट साइड पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्टॉक जो कि ओपनिंग स्टॉक है और क्रेडिट साइड पे सबसे ऊपर सेल्स के नीचे क्या लिखा हुआ है स्टॉक जो कि कौन सा स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स यहां पे अब हम यहां पे एवरेज स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। हम लिख लेंगे एवरेज स्टॉक इक्वल किस तरह करेंगे हम कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक और क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो है 55,000 प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो है 79,500। तो स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करने के बाद और 2 पे डिवाइड करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 67,250। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या किया दोनों को प्लस किया फिर इक्वल का बटन दबाना है और फिर 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास ये एवरेज स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं अब डिवाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इनको डिवाइड करने के बाद जो बुक में हमारे पास आंसर गिवन है वो ही आ जाएगा 8.68 और हम साथ क्या लिखेंगे वंस अगेन टाइम्स बिकॉज स्टूडेंट्स हमारे पास टी फॉर टर्नओवर और टी फॉर टाइम्स। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा आखिरी फॉर्मूला भी सॉल्व हो गया है और यहीं तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।